नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़। मैं पूजा। खबर है शहडोल जिले के ब्योहारी विधानसभा अंतर्गत ग्राम पंचायत विजय सोता सोन नदी की, जहां आज़ादी के 74 सालों बाद भी पुल न होने से ब्योहारी से कटनी जबलपुर मार्ग में जाने के लिए लोगों को रेलवे ट्रैक से जान जोखिम में डालकर जाने के लिए मजबूर है, जहां लोगों को काफ़ी समस्या झेलनी पड़ती है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा शिलान्यास को किया गया था, लेकिन आज सोन नदी पुल को ठेकेदारों की मनमानी और राजनीतिक दलदल में लोगों को छोड़ दिया गया है। सरकार समस्या का निराकरण करने में नाकाम होती दिख रही है। वहीं इस तरह के दृश्य देखकर चौमुखी विकास की पोल भी खुलती हुई नजर आ रही है, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ठेकेदारों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, लोगों को काफ़ी समस्या झेलनी पड़ रही है। अब देखना यह है कि इस समस्या को लेकर सरकार क्या कड़े निर्देश के साथ भ्रष्ट ठेकेदारों के ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी। खड़े में तो आ है आधा सर साइड में। अरे कौन को बोल रहे हैं भाई साहब, तो थोड़ा समझाओ ना उसको यार। मनीषा सिंह जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी कमल प्रताप जी, पूर्व विधायक बली सिंह जी, अब चूंकि समय कम है इसलिए मंचा सिंह, सभी साथी नेता पदाधिकारीगण और ब्योहारी में उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के आपको प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमस्कार करता हूँ। प्रिय बहनों और भाइयों, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। आपने ब्योहारी विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी को जिताया और लोकसभा में तो रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जिताया। अब मुझे याद है, जब से ये बाणसागर बांध बना तो पानी तो मिल गया कई जगह लोगों को, लेकिन ब्योहारी का विकास अवरुद्ध हो गया। और इसलिए आज आपके बीच आया हूं तो एक पुल तो सोन नदी का बन रहा, उसका शिलान्यास तो होगा ही, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा, दूसरा पुल भी बनेगा और पूरी अप्रोच बनेगी और उसमें लगभग 112 करोड़ रुपया लगेंगे। वो पूरे 112 करोड़ रुपया मैं ब्योहारी के विकास के लिए स्वीकृत कर रहा हूं, क्योंकि बाढ़ सागर के कारण आसपास के मार्ग अवरुद्ध हो गए, दूर घूम के जाना पड़ता है और उसके कारण विकास के सारे रास्ते भी बंद हो गए। शरद जी, एक झटके में सब कर रहा हूं, ये पुल भी, दूसरा कौन सी नदी का और है बगल में बना हुआ, वो और बनना, वो भी, और अप्रोच भी 40 किलोमीटर की दूरी बरही होके कटनी जाना है, तो इससे कम हो पाएगी और ब्योहारी के विकास के रास्ते फिर से खुल। लगते है क्या नहीं भीड़ी ओ दादा। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार।